जय हिंद। भारत की धरती पर आपका स्वागत है। आपको पता है कि भारत जो है एक समय में विशाल था, इसीलिए इसको कहा जाता था अखंड भारत। हम विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहलाते हैं, तो आप गर्व करिए कि आप भारत के धरती पे पैदा हुए हैं। हम भी इस धरती पे पैदा हुए हैं, इसीलिए हम सैल्यूट करते हैं, हम गर्व करते हैं अपने धरती पे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अखंड भारत टूट कैसे गया और भारत के संविधान के साथ उसका क्या रिलेशन है। वैसे दुनिया में आज भी हम सातवां सबसे बड़ा देश है, और कल्चरली अगर देखा जाए, सांस्कृतिक दृष्टि से, तो आज भी हम विश्व गुरु है ही। दूसरी बात, हम ये देखेंगे कि भारत का जो के अंदर में जो जो संघ है या जो उसका राज्य क्षेत्र है, वह संविधान के किस पार्ट में रखा गया है, हमारे यहाँ की राज्य व्यवस्था क्या है, इन सबको समझते हैं। आपको जानने में समझने में बहुत मजा आएगा। ऐसे राज्य व्यवस्था को लोग क्लिष्ट समझते हैं, उनको लगता है कि भारत के संविधान को समझना अपने आप में एक बड़ा टफ काम है। टफ नहीं है ये, आसान है। ये समझने और समझाने के ऊपर निर्भर करता है। तो हम आपको आज ऐसे समझाएंगे कि आपको पॉलिटी से आज प्यार हो जाएगा, उसके बाद आपको बड़ा मजा आने लगेगा समझने में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारत के संविधान है क्या। देखिए, संविधान का मतलब होता है वैसे विधान, यहाँ देख रहे हैं संविधान, वैसे विधान मतलब वैसे नियम और कानून जो किसी देश को चलाने के लिए जरूरी होता है, उसको लिपिबद्ध कर दिया जाता है, लिखित रूप से ला दिया जाता है, तो उसको संविधान कहते हैं। वैसे संविधान लिखित भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ब्रिटेन में अलिखित है, भारत के अंदर में लिखित संविधान है। तो संविधान आप समझ गए, संविधान को एक पुस्तक समझ लीजिए आप, और उस पुस्तक के अंदर में आप जब भी कोई किताब पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि उसके अंदर में टॉपिक होता है, उसमें लेसन होता है ना, ऐसे चीजें उसमें बटी होती है, क्योंकि पूरे किताब को डायरेक्ट आप नहीं पढ़ सकते, उसको अगर अलग अलग करके नहीं रखेंगे, चैप्टराइज करके नहीं रखेंगे, तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है। अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग लेसन में समझ में आता है कि उसमें पढ़ना क्या है। संविधान में भी इसी तरह से टॉपिक और लेसन बनाया गया है, जिसको पार्ट कहते हैं, जिसको अनुच्छेद कहते हैं, जिसको शेड्यूल कहते हैं। जैसे देखिए, भारत का संविधान है, ये देख रहे हैं आप, बेयर एक्ट है, हूबहू यही संविधान भारत में चलता है। यह ओरिजिनल नहीं है, उसी का डुप्लीकेट किया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए भाग, भाग को 22 भागों में बांटा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि 25 भाग हो गया है, ठीक है, ABCD करने पर 25 को हो जाएगा, वैसे तो है 22 ही भाग, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से 22 भाग है। अनुच्छेद यानी जिसको कहते हैं आर्टिकल, उसकी संख्या है 395, लेकिन अब उप आर्टिकल, उप अनुच्छेद जोड़ दीजिएगा सब आर्टिकल्स, तो उसकी संख्या बढ़ के हो जाएगी 470। ऐसे मूलतः है 395, 396 नहीं हो सकता है। आप 1, 2, 3 में ही 1, 2, 3 ABCD ऐसे जैसे जोड़ जोड़ करके उसको बढ़ाते रहिए, वो अलग बात है। अनुसूची की संख्या है 12, 8 था अब 12 हो गया है। तो इसको तो आप समझ गए होंगे, लेकिन कभी कभी आपको ये लगता होगा, जहां समस्या आ जाता होगा, कि ये IPC क्या होता है, CRPC क्या होता है, सेक्शन क्या होता है जिसको बोलते हैं धारा, और आर्टिकल क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं एकदम तुरंत। देखिए, अनुच्छेद यानी जिसको बोलते हैं आर्टिकल इसको बोलते हैं, अनुच्छेद, और एक होता है धारा, आप पढ़ते हैं धारा, जिसको बोलते हैं सेक्शन। आपके ऊपर जब केस होता है तो पुलिस थाने में आपके ऊपर सेक्शन लगाया जाता है कि इन्होंने मारपीट किया है, कि इन्होंने किसी के मर्डर किया है, 302, 407 इस तरह से चीज़ें लगती है। कोई किसी के साथ कोई गलत कर दिया तो 376 लग जाता है, ये सब अलग अलग सेक्शन होता है। वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता है, सेक्शन लगता है। तो देखिए, इसके अंदर में क्या होगा, देखिए भारत के संविधान में आर्टिकल का वर्णन है। संविधान किस चीज से मिलके बना हुआ है, आर्टिकल से मिलके बना हुआ है। आर्टिकल को एक एक करके निकाल दीजिए तो संविधान ही खत्म हो जाएगा। तो संविधान बना हुआ है आर्टिकल से, और धारा से क्या बना हुआ है, धारा से मिलकर के दंड संहिता बनता है, जिसको IPC बोलिए या जिसको CRPC कहिए, इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है। IPC और CRPC में अंतर है, उसको आप मामूली से समझिए कि IPC का मतलब होता है कि जब पुलिस, जब कोई अपराध करते हैं आप और जब पुलिस पकड़ती है तो आपको कैसे लतियाएगी, इसका वर्णन है IPC में, इंडियन पिनल कोड में। और जब पुलिस ले जाकर के कोर्ट में आपको पहुंचा देती है तो कोर्ट में किस तरह से प्रोसीडिंग होगा, आपके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाएगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या प्रक्रिया होगी, उसका चर्चा है CRPC में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसीलिए इसको कहा जाता है। तो आप इसको समझ गए। एक चीज अंतर इसमें आप समझ लीजिए कि आर्टिकल जो होता है वह सर्वोच्च कानून है, वह प्राथमिक कानून है, जबकि धारा जो है वह द्वितीयक है। यह है प्राथमिक और धारा क्या है, द्वितीयक, सेकेंडरी है। असली जो जनक है
कानून और नियम का, वो तो संविधान ही है, इसीलिए प्राथमिक हो गया, ये तो सेकेंडरी हो जाएगा, तो इसलिए द्वितीयक है। अब दोनों में थोड़ा सा और ये देख लीजिए, और आर्टिकल की संख्या आप देखते हैं कि 395 है, और धारा देखिएगा तो आईपीसी में अलग है, सीआरपीसी में अलग है। आईपीसी में देखिएगा 511 है, इसमें देखिएगा 511, आईपीसी में 511, जबकि सीआरपीसी में देखिएगा तो है 484। तो इस दोनों में अंतर आप समझ गए, अब आप संविधान को ठीक ढंग से समझने लगे हैं। अब हम बात करते हैं भाग एक की, यह क्या कहता है, तो इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं और देखिए भाग एक इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अब इसमें देखिए कि आर्टिकल जो है 1 से 4 रख दिया गया है, भाग एक में 1 से 4 है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 1 की, वह क्या कहता है। आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1, यह अंग्रेजी में लिखा हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि संविधान को पहले अंग्रेजी में बनाया गया था, बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया, इसलिए जो शब्द आएंगे पहले तो अंग्रेजी में ही आएंगे। तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, इसी को हिंदी में कहते हैं भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। देखिए इस स्टेटमेंट से आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर में क्या क्या आ गया, देखिए इसमें आ गया कि भारत का नाम क्या है, इस देश का नाम क्या है, तो इस देश का नाम है भारत चाहे इंडिया, इस दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं था। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि भारत को भी रख लेते हैं, इंडिया को भी रख लेते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति चला गया, कहा कि भारत का नाम भारत ही होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए, इंडिया हटाओ, क्योंकि हम सब जगह बोलते हैं भारत माता की जय बोलते हैं, हम बोलते हैं कि भारत रत्न मिलता है, हम जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, देखिए वहां भी भारत आ गया, यानी कि हम राष्ट्रगान भी गाते हैं तो उसमें भारत आ जाता है, तो इंडिया तो आता नहीं, इसलिए इसको हटा दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकदम यह बाह्यात और बकवास चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया हटाने और नहीं हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, संविधान निर्माता जो थे ना वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान थे, इसलिए लुबुर तुबुर नहीं करिए, और उसको खारिज कर दिया उन्होंने। तो चलिए इसको हटाइए, तो इससे पता लगता है कि भारत का नाम दोनों है। दूसरा राज्यों का संघ है, भारत जो है ना वह राज्यों का संघ है, कहने का मतलब यह हुआ कि भारत यूनियन है, लेकिन दुनिया में किस तरह की शासन व्यवस्था चलती है, तो भारत में तो बता दिया कि संघीय व्यवस्था है, क्योंकि राज्यों का संघ माने संघीय व्यवस्था है, लेकिन भारत किस तरह का संघ है उसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें 3 तरह के चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक तो मिलेगी कॉन्फेडरेशन यानी परिसंघ, दूसरा मिलेगी फेडरल जिसको बोलते हैं संघ, और तीसरा मिलेगा यूनियन जिसको भी बोलते हैं संघ। कॉन्फेडरेशन इसको बोलते हैं, देखिए कॉन्फेडरेशन होता है ये, इसको बोलते हैं परिसंघ, इसको बोलते हैं परिसंघ। दूसरा है जिसको बोलते हैं फेडरेशन, इसको फेडरेशन। एक है इसको बोलते हैं संघ, और तीसरा है यूनियन, यूनियन यानी संघ। देखिए हिंदी में तो दोनों को संघ ही बोलते हैं, इसको परिसंघ बोलते हैं, तीनों में अंतर क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए कॉन्फेडरेशन जो होता है ना, छोटे छोटे क्षेत्र जो होते हैं, छोटे छोटे राज्य जो होते हैं, वह मिलकर के एक देश बना लेते हैं, और थोड़ा सा अधिकार केंद्र को दे देते हैं, देश को दे देते हैं, कि थोड़ा सा अधिकार आप रखिए, अधिकांश अधिकार उनके खुद के पास होता है, और जब चाहे तब वह तोड़ करके उस संघ से अलग हो सकते हैं, इसी को बोलते हैं कॉन्फेडरेशन। बहुत ही कमजोर होता है, जैसे ईंट का दीवार है कोई, और कोई दीवार जो है मिट्टी का है, तो आप देखेंगे कि मिट्टी के दीवार तो कभी भी ढह जाएंगे, उसको एक लात मारेंगे या जोर से उसको धकेल देंगे टूट जाएगा, तो इसको आप मिट्टी और कच्ची दीवार की तरह समझिए। दूसरा फेडरल संघ, संघ में क्या होता है, इसमें कुछ बड़े राज्य जो होते हैं, बड़े क्षेत्र जो होते हैं, वह मिलाकर के एक संघ बना लेते हैं, एक देश का निर्माण कर देते हैं, और देश को भी शक्ति देते हैं, लेकिन अधिकांश शक्ति फिर से वह अपने पास ही रख लेते हैं। तो कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन जो होता है इसमें बहुत ही कम अंतर है, यह ज़्यादा ही कमजोर होता है, लेकिन यह भी कमजोर ही होता है, इसमें भी टूट सकता है, कोई भी क्षेत्र कभी भी अलग हो सकता है, कभी भी कोई राज्य संघ को कहेगा भैया हम अलग होना चाहते हैं, तो इसको आप रोक नहीं सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में आता है यूनियन, यूनियन का मतलब है कि यह बहुत ही मजबूत होगा और इसको कोई भी हटा नहीं सकता है, यह बहुत ही मजबूत होता है। अब आप फेडरेशन में यूनियन में अंतर समझ लीजिए, कॉन्फेडरेशन तो दुनिया में अब कहीं लगभग अब है ही नहीं, तो फेडरेशन बचा हुआ है, यूनियन बचा हुआ है, तो इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक कॉन्फेडरेशन क्या होता है, दूसरा है
यूनियन क्या होता है, इस दोनों में अंतर क्या है। देखिए पहला अंतर तो आपको हम बता दिए कि कभी भी जो है ये अलग हो जाते हैं और ये अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये होता क्या है, देखिए समझौता से शामिल हुए हैं ये, इसमें जितने लोग शामिल होते हैं वो समझौता से शामिल होते हैं ये फेडरेशन में समझौता होता है। जैसे यूएसए में चल रहा है ना व्यवस्था, उसको बोलते हैं फेडरेशन। यूएसए में कोई भी राज्य कभी भी अलग हो सकता है, उसको स्वतंत्रता मिला हुआ है। अब भारत में इंडिया में ऐसा नहीं है, समझौता से शामिल नहीं होता है, स्वेच्छा से शामिल होता है। यहाँ पे क्या है, स्वेच्छा है राज्यों को, आप अपने मन से आए हैं, अब आप हट नहीं सकते हैं। आने में बड़ी आज़ादी आराम से आ जाइए, लेकिन हट नहीं सकते हैं, आप तोड़ नहीं सकते हैं इसको। उसके बाद है समझौता तोड़ के अलग हो जाते हैं, ये नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि समझौता तो हुआ ही नहीं, तो तोड़ेंगे क्या। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा भी महत्वपूर्ण है, राज्य इसमें शक्तिशाली होता है। इसमें राज्य क्या होगा, इसमें शक्तिशाली हो जाते हैं, शक्तिशाली। और केंद्र क्या होता है, इसमें केंद्र जो होते हैं वो होता है कमजोर। केंद्र क्या होंगे, कमजोर। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होगा, राज्य होगा कमजोर, उसके पास कम शक्ति होती है, और जो केंद्र होते हैं उनके पास ज़्यादा शक्ति होती है। देखिए फेडरेशन में झंडा, संविधान और नागरिकता एक ही होता है, और करेंसी भले ही एक होगा, डॉलर सब जगह चलता है। जैसे यूएस में उदाहरण लीजिएगा तो वहाँ जितने भी टेक्सस है, चाहे वह अलास्का हो, सबका अपना अपना संविधान है, अपना अपना झंडा है, अपना अपना नागरिकता है, और कभी भी वो इस संघ से अलग हो सकता है। अमेरिका इसीलिए कई बार टूट गया है, और टेक्सास में तो आज भी चलते रहता है। वहाँ के कुछ लोग तो समझते हैं कि हम अमेरिका के पार्टे नहीं है, जबकि ऐसी जो आपको व्यवहारिक ढंग से वो अलग नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो कभी भी अलग हो सकते हैं, ऐसा तो है ही, उसके संविधान में ही है। साथ ही यूनियन में क्या होता है, संविधान हो चाहे झंडा हो चाहे नागरिकता हो, एक ही रहता है व्यक्ति का। करेंसी तो एक रहता ही है, संविधान झंडा नागरिकता भी एक ही होता है। भारत में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर से जब 370 नहीं हटा था और 35A नहीं हटा था, तो वहाँ झंडा अलग था, वहाँ का संविधान अलग था, वहाँ की नागरिकता अलग थी। वहाँ जो कुछ अलगाववादी सब जो थे वो तो स्वतंत्र देश बनाने के फेर में लगे हुए थे, एकदम पागल, कॉमन सेंस उसका है ही नहीं। भारत के साथ रहता, इतना पवित्र देश में, इतना बेहतरीन देश में, उसके साथ नहीं रह करके वो अलगाववादी लोग जो थे वो लगातार आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे थे, पत्थर फेंकवा देते थे, हमारे फौजियों को भी देखते थे कि वो बहुत परेशान करते थे। लेकिन आज जो है उनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि कई जगह तो जो है वो भाग खड़े हुए हैं, नज़रबंदी भी उनका किया गया है, और देखे होंगे कि उनको जो है अब राज्य भी नहीं रहने दिया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। अरे भैया, यहाँ जो है मोदी का सरकार है, और जो व्यक्ति अपना पत्नी से नहीं डरा वो दुनिया में किसी से डरेगा थोड़ी ही। अब देखिए संविधान के भाग एक के आर्टिकल वन के ए क्लॉज को आप समझ गए हैं, अब आर्टिकल वन के बी क्लॉज को समझिए। देखिए बी क्लॉज में सीधे लिख दिया गया है कि अगर आपको राज्य और प्रदेश जो कि भारत के संघ में शामिल है, यूनियन में शामिल है, उसको देखना हो कौन कौन सा शामिल है, तो आपको जाके अनुसूची में देखना होगा, आर्टिकल में वो नहीं मिलेगा। एक ही जगह अगर सब कुछ लिख दिया जाता तो बड़ा लेंदी हो जाता, इसलिए उसका 4-5 पृष्ठ का एक अलग पन्ना जोड़ दिया गया संविधान के अंदर में, आप वहां जाके देख लीजिए। उसमें पूरा लिखा भी रहता है कि किस वर्ष में आपको शामिल किया गया और कैसे शामिल किया गया है, उसका पूरा लिस्ट होता है। जैसे इस बुक में आप देखेंगे कि जो भारत के संविधान है बेयर एक्ट, इसमें आप देख रहे हैं कि एक लिस्ट बनाया गया है यहाँ पे, पहली अनुसूची, और यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है कि आंध्र प्रदेश को कैसे मिलाया गया, असम को कैसे, तो कौन कौन सा राज्य है उसका पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है। तो यही बात दूसरा में कर रहा है। अब देखिए क्लॉज सी को समझिए, क्लॉज सी को समझना जरूरी है। इसमें लिखा है इंडियन टेरिटरी में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन है जो भारत के क्षेत्र में शामिल होगा, तो उसमें बताया कि स्टेट और यूटी शामिल होंगे और अर्जित क्षेत्र शामिल होंगे, तीन क्षेत्र शामिल होंगे। कौन कौन है स्टेट में, कौन कौन होगा, जो बड़े बड़े राज्य है उनको स्टेट बनाया जाएगा, इनके इनका जो अधिकार है कुछ ज़्यादा रहता है, उनको भी कुछ अधिकार डेलीगेट कर दिया जाता है, आपको पता ही है संघीय व्यवस्था में। तो अभी वर्तमान में भारत के पास 28 राज्य है, 28 राज्यों से मिलकर बना हुआ है भारत। साथ ही साथ आपको जानना, आप ये जानते हैं कि 29 राज्य था जिसमें जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक लद्दाख बन गया, एक जम्मू कश्मीर बन गया, तो इससे 29 से घट के 28 हो गया। अब देखिए यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज, इसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश छोटे छोटे
राज्यों को, छोटे छोटे क्षेत्रों को बनाया जाता है और जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, हो सकता है वह मुख्य भूमि से दूर हो, तो वहाँ पे क्या है कि दूसरे देश का प्रभाव ना आ जाए, इसके लिए उनको राज्य छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि राज्य को थोड़ा बहुत अधिकार मिलेगा। और यूटी अगर रहेंगे तो सीधे डायरेक्ट दिल्ली का इस पर सीधे सीधे उस पर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का सीधे सीधे उस पर कंट्रोल रहता है, इसके लिए उसको यूटी बनाया जाता है, यूनियन टेरिटरीज। तो उसकी संख्या है 8। आपको पता है कि भारत में पहले 7 यूनियन टेरिटरीज था, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बना दिया गया तो 7+2=9 हो गया, लेकिन 9 से 1 फिर घट गया, क्योंकि दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को 1 बना दिया गया है, तो इसलिए उसकी संख्या 8 हो गई। तो 28 और 8 हो गए। अर्जित, अब देखिए भाई साहब, ये कितना महत्वपूर्ण एक संविधान बनाने वाले का ये दिमाग में ये आया, इसको ये रखा, इसमें लिखा हुआ है कि अर्जित राज्य, अगर भविष्य में कोई भी राज्य भारत के साथ मिलना चाहे या भारत के साथ अगर कोई युद्ध कर ले और उसका क्षेत्र भारत जीत ले तो उसको इसमें डाल दिया जाएगा, अर्जित क्षेत्र में। मान लेते हैं कि अभी तो विवाद चल ही रहा है, जैसे बलूचिस्तान को लेकर चलते रहता है, हो सकता है भविष्य में बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान से अलग हो जाए और भारत के साथ मिल जाए तो भारत में हो जाएगा अर्जित राज्य। ऐसे ही कोई भी देश अगर चाहे तो भारत के साथ मिल सकता है, हाथ मिला सकता है और भारत के अंदर में आकर के यहाँ पे अर्जित क्षेत्र में बन सकता है, धीरे धीरे भारत हो सकता है उसको अलग दर्जा दे दे, यूटी का दे दे या बाद में स्टेट बना दे, तो ये अलग बात है। अब आप इसको, हमको लगता है कि आप समझ गए हैं, अब आप बी को समझिए, को समझ लीजिए। आर्टिकल 2 में है किसी भी विदेशी राज्य का किस तरह से भारत जो है एक्वायर कर सकता है, उसको अर्जन कर सकता है। इसमें लिखा है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, ये संसद को अधिकार है कि वह किसी भी विदेशी राज्य को अपने क्षेत्र में मिला ले। तो इसमें आप एक शब्द देख रहे हैं कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, यानी देखिए इसमें राष्ट्रपति जी को सूचना दे दिया जाता है कि देखिए भैया हम जा रहे हैं उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को मिलाने अपने क्षेत्र में, आपको दे दिए, इन्फॉर्म कर दिए, बस आप खुश रहिए। देखिए इसमें क्या है ना कि राष्ट्रपति को खाली सूचना दे दिया जाता है, राष्ट्रपति के पास ज़्यादा अधिकार नहीं है भारत के राज्य व्यवस्था में। आपने इस बारे में पढ़ा होगा, वो परिवार में एक फूफा की तरह है जिसके नाराज होने नहीं नाराज होने से परिवार के किसी भी आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसी तरह से ये होते हैं। तो राष्ट्रपति साहब को सूचना दे दिया जाता है, अब ये जो है ये इनकार कर ही नहीं सकते हैं, अगर इनकार करेंगे तो बड़ा हथियार होता है संसद के पास में, तुरंत जो है इनको महाभियोग इन पर ले आया जाएगा और इनकी जो है आप देख ही रहे हैं कि क्या हो जाएगा। महाभियोग क्या होता है, महाभियोग होता है प्यार से लतियाना, यानी कि राष्ट्रपति को जब प्यार से लतियाया जाता है तो उसको बोलते हैं महाभियोग। इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। अब देखिए विदेशी राज्य जो होता है वह क्या हो सकता है, इसमें एक शब्द आप पढ़ रहे हैं एडमिशन और दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट। एडमिशन का मतलब होता है स्वेच्छा से अगर कोई राज्य मिलना चाहता है, जैसे आज से आप देखें 1974-75 में क्या हुआ था, चीन जो है वह तिब्बत पे पूरी तरह से अधिकार करते जा रहा था। चीन आप देखे हैं कि भारत इस तरह से है, भारत आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये है, यहाँ पे आप देखेंगे कि चीन है और यहाँ पे पूरा का पूरा तिब्बत है। क्या किया कि चीनी आक्रमण करके इस तिब्बत को हथिया रहा था धीरे धीरे, और यहाँ के लोगों को क्या कर रहा था, दूर दूर फेंक दे रहा था। यहाँ के लोग भाग करके इंडिया में भी बहुत चले आए, दलाई लामा जैसे लोग। और इसी के बगल में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सिक्किम है, सिक्किम को भी डर लगा कि हम भी तो बहुत छोटे हैं, अगर हम पे भी आक्रमण कर दिया तो एक तो ऐसे ही छोटा है, हमको तो है ये तो नक्शे से गायब न कर दे, अपने में मिला लेगा, असिमिलेट कर लेगा, तो इसको डर था। तो इसने इंडिया से कहा कि भैया हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसे भी अंग्रेज जब छोड़ के गए थे सिक्किम को तो रक्षित राज्य तो हो ही चुका था इंडिया का, तो इंडिया में कहा कि हम आपसे मिलेंगे लेकिन ऐसे नहीं मिलेंगे, क्या पता आप भी जो है हमारे ऊपर कब्जा कर ले और हमको कोई अधिकार ही ना दे और हमारे परिवार के लोगों को एवं को भेज दीजिएगा अंडमान निकोबार में, किसी को भेज दीजिएगा गुजरात में, किसी को कश्मीर में, तो ऐसे ऐसे तो नहीं ना करिएगा। तो भारत ने कहा कि भैया देखिए हम जो है वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, आप आइए, आपका स्वागत है, आपको उतने अधिकार, उतने सम्मान, उतनी इज्जत मिलेगी जितना बाकी के स्टेट को मिला हुआ है। तब तिब्बत कहा, ये सिक्किम कहा कि देखिए अगर ऐसा है तो हम आपके साथ मिलेंगे तो, लेकिन हम अभी आजमाएंगे आपको कि आप जो है कि हमारे अपेक्षा पे खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। तो सिक्किम को क्या किया गया, आर्टिकल 2A में
एक नया क्लॉज जोड़ा गया आर्टिकल 2 में ए, और सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। और सह राज्य जब सिक्किम बन गया तो कुछ दिन के बाद सिक्किम को लगा कि अरे ये तो सब हमारे जैसे ही है, ये तो मज़ा आ रहा है। तो उसने क्या किया कि कहा कि हम अब आपका पूर्ण राज्य बनेंगे। तो भारत सरकार ने क्या किया, उसको संविधान संशोधन करके 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए 22वां राज्य बना दिया। और तब से सिक्किम जो है भारत का राज्य बन गया। सिक्किम क्या हुआ, स्वेच्छा से आया, उसको कोई हड़पा नहीं, कोई दबाव नहीं दिया, इसी को बोलते हैं एडमिशन हुआ उसका, बड़ा आसानी से कक्षा में एडमिशन हो गया, भारत में आ गया। अब इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, मान लेते हैं कि भारत का युद्ध किसी के साथ हो गया, जैसे पाकिस्तान के साथ हो गया, और बलूचिस्तान वाला पार्ट जो है वह इंडिया अगर मान लेते हैं कि उसको जीत लेता है और बलूचिस्तान को भारत में मिला लेता है, तो उसको कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट। यह थोड़ा सा युद्ध के कारण हुआ, लेकिन गलती तो उसी का है क्योंकि उसने आक्रमण किया, भारत ने तो ऐसे कभी भी किसी देश पर आक्रमण किया नहीं है। और जब वह क्षेत्र को मिला लिया जाएगा तो उसको कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट। आर्टिकल 3 को अब आप समझ लीजिए, आर्टिकल 2 हमने आपको समझा दिया, अब देखिए आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है कि संसद जो है वह राष्ट्रपति के पूर्व सूचना देकर या उनके अनुमति लेकर के भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को, नाम को और उसके सीमा में परिवर्तन कर सकती है। यानी भारत के अंदर में किसी भी राज्य को तोड़ना हो, फोड़ना हो, कूटना हो, काटना हो, सब काम संसद कर सकती है, वह भी राष्ट्रपति को पहले सूचना दे करके। और सूचना देने का क्या मतलब होता है वो हम आपको पहले ही बता दिया, राष्ट्रपति किसी भी चीज़ में इनकार नहीं करते हैं। साथ ही साथ इसमें राज्यों को सहमति लेने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो केंद्र जो है, जो आपका जो संघ है, जो संसद है, वह बिना अनुमति लिए हुए ऐसा कर सकती है। यह ऐसा बहुत बार उदाहरण मिला है, आपको पता है कि तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो आपको पता हुआ कि आंध्र प्रदेश ने इसका विरोध किया था, आंध्र प्रदेश के विधानसभा में यह विरोध हुआ था कि भैया इसको अलग नहीं करना है, लेकिन फिर भी तेलंगाना को अलग कर दिया गया। आपको पता होगा उस समय चुनाव भी चल रहा था और तेलंगाना को अलग करना एक तरह से राजनीतिक फायदे का सौदा हो रहा था, इसलिए भी अलग कर दिया गया और तेलंगाना जो है अलग हो गया, तो राज्य की कोई सहमति नहीं ली गई। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में आपने देख रहा होगा कि 370-35 से खूब झंडा भाज रहा था, खूब पत्थरबाजी हो रहा था कि भैया ये हटेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भारत में आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, आराम से हट गया और वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर के संसद से, जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा होते हैं उससे तो कुछ भी नहीं पूछा गया और आराम से जो है वह जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में बांट करके उसको राज्य भी नहीं रहने दिया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस तरह से भैया यहाँ पे मोदी का सरकार चल रहा है, इतना प्रचंड मेजोरिटी में है कि वह लड़का को लड़की कह दे तब भी उसको मानना पड़ जाता है और उनके दिमाग को कोई नहीं पढ़ा है। भारत के प्रधानमंत्री और भारत में रहने वाली पत्नियों के दिमाग को भाई साहब आज तक पता है, प्रधानमंत्री भी उसी तरह से है। अब देखिए इसमें राज्यों की पूर्व अनुमति की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक आध चीज आप और समझ लीजिए, उसमें और क्या है कि अगर भारत कि संसद किसी दूसरे क्षेत्र को, दूसरे राज्य को मिला लेती है अपने क्षेत्र में, वो तो आपको हमने पहले ही बता दिया था दूसरा सेक्शन में, मिला तो सकती है लेकिन दे नहीं सकती है। अगर वह दूसरे को देती है अपना कोई भी क्षेत्र, छोटा भी, तो उसको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। मतलब लेना आसान है भाई साहब, लेकिन देना बहुत मुश्किल है। ये संविधान में ही है, ये एक बेजोड़ चीज़ है, नहीं तो नेता लोग तो कुछ भी कर देंगे। लेना आसान है भैया, जाओ ले, लेकिन देना बहुत ही मुश्किल है। हुआ क्या था, आज से काफ़ी पहले बेरुवारी कांड हुआ था, सर रेडक्लिफ नाम का एक व्यक्ति था, सिरिल रेडक्लिफ, वही रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा को का निर्धारण किया था। उसने क्या किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ से ये सब पुलिस स्टेशन को मिलाते हुए एक रेखा खींच दिया और कहा कि यही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा होगा। साथ ही पूर्वी क्षेत्र में भी, पूर्वी पाकिस्तान भी बना था, यहाँ से मिलाते हुए एक रेखा खींच दिया और कहा कि हो गया। दो दिन में वो ससुरा काम करके चला गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड काम, पता नहीं लगता है कि सस्ता वाला जो है पौआ पी लिया था और आराम से जो है खींच दिया। हुआ क्या, जब ये खींचा तो कुछ लोगों का जो घर था, जो छत था, वो इंडिया में है और जो उसका जो द्वार है वह चला गया पाकिस्तान में। जब तक घर में रहता था इंडिया में रहता था, जैसे दूरा पर घूमने जाता था तो पाकिस्तान में चला जाता था। तो ऐसा कांड कर दिया ये जो है रेडक्लिफ ने। वो तो एक कांड यहाँ हुआ, ये पश्चिम बंगाल में एक जो खींचा था, पश्चिम बंगाल के बीचों बीच एक रेखा खींचा था, उसमें एक बेरुवारी गाँव पर रहा था,
वो एक्चुअली गांव क्या था कि वहाँ 90% मुस्लिम लोग थे, और एक एक क्षेत्र ऐसा भी था जो बांग्लादेश में था, वहाँ पे 90% हिंदू लोग थे। अब ऐसा था कि यहाँ के मुसलमानों को जाना था बांग्लादेश में और बांग्लादेश के हिंदुओं को आना था भारत के अंदर में, लेकिन रेड क्लिफ ने तो एक अलग तरीके से ही एक चमत्कार कर दिया था उसने, तो उसको तो बदलना ज़रूरी था। तो नेहरू जी को लगा कि क्यों ना बेरुबारी को बांग्लादेश को दे दिया जाए, तो उन्होंने बांग्लादेश को देने की सोची। इस पे क्या हुआ भाई साहब, बड़े बवाल मच गया उस समय में। उसमें लगा कि अरे नेहरू अपने देश के क्षेत्र को बेच देगा भैया, ये कैसे हो गया, बड़ा विरोध हो गया। नेहरू जी जो है राष्ट्रपति को ये बात बताया, राष्ट्रपति जो है वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए कि भैया आप बताइए कि इसका क्या किया जाए। कहा कि कर सकते हैं, आपको करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान में संशोधन कर दीजिए, क्योंकि दूसरे से लेने के लिए तो सब जगह लिखा हुआ है, लेकिन देने के लिए तो कहीं लिखा हुआ है नहीं कि आप दे भी सकते हैं, इसलिए संविधान में संशोधन कर दीजिए। और उसके बाद इस क्षेत्र को बांग्लादेश को दे दिया गया संविधान में संशोधन करने के बाद। तो ये कांड देश में होता रहा है। अब आप देखिए कि राज्यों का जो है क्षेत्र कैसे बदलता रहा है। देखिए एमपी को तोड़ करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था, उसी तरह से यूपी को तोड़ के उत्तराखंड बना, बिहार को तोड़ के झारखंड बना, आपको पता होगा नवंबर 2000 को, और आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बना, जम्मू कश्मीर को तोड़ करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया है। तो इतना आप समझ गए। अब आप चार को समझ लीजिए। देखिए अनुच्छेद चार में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अनुच्छेद दो और तीन में जो संशोधन किए जाएंगे, जो कानून बनाए जाएंगे या जो विधि बनाई जाएगी, वह 368 के बाहर रखी जाएगी। मतलब 368 के तहत उनको संशोधन नहीं माना जाएगा, उसको एकदम साधारण और सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा ही संशोधित किया जाएगा, उसको माना जाएगा। मतलब ये इजी वे में हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। राष्ट्रपति को पहले ही सूचना दे दिया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति इसमें रोक टोक नहीं करते हैं। और साथ ही साथ अब आप सामान्य बहुमत को समझ लीजिए। देखिए सामान्य बहुमत का क्या मतलब हुआ, 50% + 1, यानी कि जितना सदन में सदस्य है, जैसे 545, इसका 50% कितना होगा, 272.5, और उसमें थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, 273 हो गया, तो 273 जो हुआ यह बहुमत हो जाएगा, 50% से ज्यादा हो गया तो ये पास हो जाएगा कोई भी कानून अथवा विधि। तो इसी को कहा गया है सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा, इसमें राष्ट्रपति रोक टोक नहीं करेंगे। अब देखिए जब संविधान में संशोधन होगा ये दो और तीन में, तो अनुसूची भी तो प्रभावित हो ही जाएगी, क्योंकि अनुसूची में क्या है, आपको तो हमने अभी आपको बताए थे कि अनुसूची में राज्यों की के बारे में लिखा गया कि कौन कौन राज्य शामिल होंगे भारत के संघ में, और एक में तो वो है, और चार में क्या है, चार में है राज्य व्यवस्था के बारे में है। अब हम आपको एक दिन बताएंगे अनुसूची के बारे में, उसको याद करने का एकदम शॉर्ट फॉर्मूला भी है। तो चार भी प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में जो लोग आते हैं वो राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो वो भी प्रभावित हो जाएगा। तो एक और चार भी प्रभावित होंगे, और उसमें भी राष्ट्रपति रोक टोक नहीं करेंगे, वह भी सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा उसको भी पास माना जाएगा। तो अब आप अनुच्छेद चार को भी समझ गए, रिवीजन कर लीजिए। हमने आपको क्या बताया, संविधान का भाग एक में अनुच्छेद एक से चार है, उस अनुच्छेद में एक क्या कहता है, यूनियन, भारत राज्यों का संघ होगा वह बात करता है। साथ ही साथ दूसरा में क्या है, दूसरा अनुच्छेद में विदेशी राज्य की बात किया, उसको भारत में कैसे मिलाया जाएगा उसके बारे में बात किया। और आर्टिकल तीन में मैंने क्या किया, वर्तमान राज्य वह उसमें परिवर्तन कैसे होगा, तोड़फोड़ करना। और लास्ट में साधारण बहुमत से यह सब हो जाएगा, 368 में संशोधन नहीं माना जाएगा, और राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य होते हैं, राष्ट्रपति इसमें रोक टोक नहीं कर सकते हैं। अब आप समझिए कि भारत जो है वह अखंड भारत टूटा कैसे, इसके बाद तो बहुत बड़ा था। सबसे पहले अफगानिस्तान जो पहाड़ी क्षेत्र था, जनजातीय क्षेत्र था, उसको अलग कर दिया गया। 1893 में डुरंड रेखा खींचा गया, 1893 मतलब समझ रहे, उस वक्त भारत जो है वह गुलाम ही था। उसके बाद 1935 में बर्मा को अलग कर दिया गया, उस समय भी तो भारत गुलाम ही था अंग्रेजों का, तो उस समय बर्मा अलग हो गया। उसके बाद 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत भारत और पाकिस्तान अलग अलग बन गए धर्म के आधार पे, और जो पाकिस्तान वाला वो पूरी तरह से धार्मिक देश हुआ, लेकिन भारत जो है अपने आप को लोकतांत्रिक देश और गणतंत्र घोषित किया।
इसमें दोनों में अंतर है, समझिए। उसके साथ साथ जब देश आजाद हुआ उस समय दो प्रांत थे, एक ब्रिटिश प्रांत थे, एक देसी रियासत थी। ब्रिटिश प्रांत कहने का मतलब है कि वह क्षेत्र जहां ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था। उसने कहा कि भैया हम भारत के साथ मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ मिलने में। लेकिन एक देसी रियासत भी था जहां राजाओं का शासन हुआ करता था, उनको थोड़ा बहुत अधिकार दिए हुआ था अंग्रेजों ने, और ये चमचे हुआ करते थे पूरी तरह से अंग्रेजों के। तो इन चमचों की संख्या जो थी काफी अधिक थी, जैसे 552 तो भारत में आके मिला था और 13 पाकिस्तान में, दोनों को मिला ये 565 थी। 13 तो पाकिस्तान में मिल गया तो हटाइए, इसके बाद बहुत कम मिला, ये तो एकदम खखवायल था कि किसी तरह से मिले हमें एकदम जो है। इसीलिए अभी आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर वाला मैटर जब फंसता है वहाँ मुंह की खाता है, जूनागढ़ में मुंह की खाता है, हैदराबाद में मुंह की खाता है। तो पाकिस्तान तो जब से पैदा हुआ तभी से एकदम जो है वह मुंह की खा रहा है भारत से, और भारत बार बार इसको हराता ही रहता है। और भारत जो है वह 549 रियासत को तो बड़ी आसानी से मिला लिया, लेकिन 3 रियासत मिल नहीं रहे थे। अब कौन नहीं मिल रहे थे, उसमें एक जूनागढ़ था, एक हैदराबाद था, एक जम्मू और कश्मीर था। देखिए इस सबको भी मिलाया जाता है। उसके पहले एक कहानी आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप समझिए कि मिलाने में भारत के ये जो देसी रियासत है उसको मिलाने में भारत के 3 लोगों का हाथ है। एक सरदार पटेल साहब है, एक मेनन साहब थे, एक माउंटबेटन है जो अंग्रेज ही था। इन तीनों का योगदान है। एग्जाम में पूछ दिया था कि बताइए किसका किसका योगदान है भारत में देसी रियासतों को मिलाने में, नहीं तो भारत 552 टुकड़ा हो जाता अगर भारत में। पता लगता है कि दिल्ली जाने में 7 को देश को पार करके जाना पड़ता है, वीजा लग जाता है। पटना से दिल्ली जाने में, कलकत्ता जाने में भी 2-3 देश को पार करना पड़ जाता। तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती थी अगर ये लोग नहीं होते तो। इसमें सबसे बड़े जो थे सरदार पटेल थे, इनका योगदान सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही कोई भाई साहब लौह पुरुष नहीं कहलाता है, उसके लिए अथक मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तो ये लौह पुरुष कहलाते हैं। इन्होंने जब देसी रियासतों को मिलाने की शुरुआत की तो उससे पहले इन्होंने क्या किया, एक हाथ में गाजर लिया, दूसरे हाथ में छड़ी लिया, और जो जो गाजर से मान गया तो लो भैया गाजर खा लो, एक से नहीं मानोगे 2 खा लो, अगर नहीं मारा तो फिर छड़ी से ले छड़ी, अगर नहीं मानोगे तो भैया छड़ी से तो काम चलाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कैरेट और स्टिक का नियम इन्होंने लेके चला था और इसी से मिला भी। अब देखिए इसमें 3 को जो क्षेत्र था वो बड़ा खचरवा था। वो हुआ था जूनागढ़ था, एक हैदराबाद था, एक जम्मू और कश्मीर था। जूनागढ़ देखिए यहाँ पे गुजरात में है, यहाँ पे ये क्षेत्र पूरा जूनागढ़ का है, ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, और यहाँ आप देख रहे हैं हैदराबाद। हैदराबाद जो आजकल आप देखते हैं वो हैदराबाद नहीं है, वो बहुत बड़ा था उस समय में, स्टेट था पूरा का पूरा। ये हुआ क्या जूनागढ़ में, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। वहाँ का जो प्रिंस था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, चोटा जो है यहाँ से पाकिस्तान में मिलना चाहता था, जबकि ये इंडिया का पार्ट है। तो बाद में जनमत संग्रह हुआ, 99% से ज़्यादा लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया, सोच लीजिए। हैदराबाद का मामला फिर आया, पटेल साहब जो है वो कहे कि जल्दी से कार्रवाई इस पे करना चाहिए, नेहरू जी चाहते थे थोड़ा आसानी से हो जाए, लेकिन यहाँ का जो प्रिंस था वो चाहता था किसी तरह से स्वतंत्र हो जाए। अरे भैया आप बीच में कैसे स्वतंत्र होंगे, इधर पाकिस्तान है इधर पाकिस्तान, बीच में स्वतंत्र कैसे हो जाओगे। तो ये मदद मांग रहा था पाकिस्तान से, पाकिस्तान तो एकदम खगवाया हुआ था, वो तो छोटा बनते जा रहा था, वो चाहता था किसी भी तरह से कुछ और पार्ट को अपने मिला ले, उसका बात लोग मान नहीं रहे थे। तो हैदराबाद को बाद में ऑपरेशन पोलो चला करके पटेल साहब ने वहां फौज को भेजा और फौज को पहले ही निर्देश दे दिया जितना जल्दी हो सके फाइल को निपटा के आइए। फौज को भी ज़्यादा टाइम लगा नहीं, 4-5 दिन में ये ऑपरेशन चला और आराम से ये भारत में मिल गया। उसके बाद जम्मू और कश्मीर का मामला आया। जम्मू और कश्मीर में क्या हुआ कि वहाँ पे राजा हरि सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, वहाँ के राजा हिंदू थे और वहाँ की प्रजा जो थी अधिकांशतः मुस्लिम थी, और हरि सिंह जो था वह भी एकदम घमंडी चूर, वह जो है वो राजा वाला पूरा गुण था। मतलब क्या गुण था उसके अंदर में, वो शिकार करने में मस्त रहता था, दारू रूपी के सुतल लाता था, वो जो है बराबर जो है पेट के दर्द से लोगों को बहाने करके अगर कोई मिलने जाता तो कहता था पेट में दर्द है, तो इस तरह का था वो व्यक्ति। ऐसा हम सिर्फ उसका बुराई नहीं कर रहे हैं, ऐसा राजा हुआ करते थे। तो ये एकदम मस्त, अब इसको मन था कि हम अलग रहे एकदम स्वतंत्र रहे, लेकिन भाई साहब कैसे स्वतंत्र रहेंगे, यहाँ पाकिस्तान भी इसको चाह रहा था कि किसी तरह से इस कश्मीर को अपने मिला ले, क्योंकि वह ऐसे ही छोटा हो रहा था, चाहता था कि किसी तरह कश्मीर को, जूनागढ़ हैदराबाद तो निकल गया तो भैया आप किसी तरह कश्मीर को मिलाओ। जिन्ना एकदम परेशान, वही जिन्ना जो द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था और कहा था कि भारत पाकिस्तान अलग कर दो, वह जिन्ना ने फौज को
भेज दिया और उसमें कवायली लोग थे और 10,000 लोगों की संख्या में थी और इतने खतरनाक लोग थे, इतने क्रूर लोग थे, इतने माने कमीने टाइप के लोग थे कि जब वह प्रवेश किया इस कश्मीर के अंदर में तो वह एकदम कतलेआम मचाते हुए चला। ऐसे बहुत सारे किताबें लिखी गई है उस आक्रमण पे, उस दुर्दांत घटना पे। और उन्होंने महिलाओं को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, बूढ़े को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। वो सबकी कतलेआम करते हुए, मारते हुए, पीटते हुए और रेप वगैरह करते हुए वो अंदर तक बढ़े आ रहे थे। फिर बारामूला तक पहुंच गए। बारामूला में तो उन्होंने एकदम कोहराम मचा दिया, उसी तरह से नौशेरा में भी उन्होंने कोहराम मचा दिया। लेकिन भारत के भी एक शेर था ब्रिगेडियर उस्मानी, उसने भी नौशेरा में कहर मचा देता है। होता क्या है कि जब वो अंदर में प्रवेश किया तो हरि सिंह जो एकदम निश्चिंत बैठा हुआ था, हरि सिंह को डर लगा कि अगर ये 10,000 लोग हमारे अंदर में आ गए तो इनके परिवार तक को नहीं छोड़ेगा। तो ये डर के मारे जो है वहाँ से फ़ोन किए कि बचा लीजिए पटेल जी, हमको बचा लीजिए। पटेल जी बोल के डट बुड़बक, अब तुमको हम बोले पहले इसमें आने के लिए तो तुम जो है से अलग ही अपना अलग अपना स्वांग रचा रहे थे, तो जाओ तुम अपने आप का रक्षा कर लो। लेकिन उसने रिक्वेस्ट किया कि नहीं नहीं बचा लीजिए बचा लीजिए। तब जा करके हरि सिंह को कहा गया कि ठीक है, ये हमारे पास जो है एक कागज है उस पर सिग्नेचर करो और उसके बाद हम तुमको बचाते हैं। तो वो था विलय पत्र, एक्सेशन उसको कहते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को उसने सिग्नेचर किया। उसके बाद उस पर सिग्नेचर माउंटबेटन का भी होता है और फिर जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारत का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद भारतीय सेना जो है पहुंचती है नौशेरा वाला क्षेत्र में और उड़ी वाला क्षेत्र में, वो सब जगह पहुंचती है और उसके बाद जो है वहाँ से उसको भगाया जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है। भगा करके नौशेरा का शेर ब्रिगेडियर उस्मानी जो है इन्होंने प्रण लिया था कि जब तक भगाएंगे नहीं तब तक जमीन पे सोएंगे। अगर 2-3 महीने और समय मिल जाता भारतीय शेर को तो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर खाली कर लेता। लेकिन चूंकि वो अंदर में आ गया था और वहीं पर सीज फायर हो गया, वहीं पर रोक दिया गया और वहीं पर एक बाउंड्री बना दिया गया, उसको बोलते हैं LOC। इसका नाम है यहाँ पे LOC, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इधर पाकिस्तान का कब्जा है इसीलिए इसको बोला जाता है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। लगभग 33% हिस्सा जम्मू कश्मीर का ये पाकिस्तान के पास में है, बाकी हिस्सा भारत के पास में है। तो ऐसे ऐसे कांड हुए और तब जो है वो भारत धीरे धीरे इतना हुआ और अखंड भारत बना। ये देख रहे हैं आप, नहीं तो भारत में तो हजारों देश हो गए होते। इस तरह से आप इन सभी चीज़ों को समझ गए हैं तो थोड़ा सा और समझ लीजिए कि हैदराबाद की क्या स्थिति थी। संविधान जब बनाया जा रहा था उस समय एक समस्या पैदा हो गई कि राज्यों का जो सीमा निर्धारण है वो कैसे किया जाए, भाषा के आधार पर किया जाए कि प्रशासनिक सुविधा को दृष्टि में रखते हुए किया जाए। तो उसमें एक कमेटी बनाया गया, इसके दर आयोग, इसके धर साहब जो थे इलाहाबाद के रिटायर्ड जज थे उनकी अध्यक्षता में 1948 में एक कमेटी बना और उसने अपना सुझाव दिया कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों का बंटवारा होना चाहिए, न कि भाषाई दृष्टि से। भाषाई आधार पर उन्होंने खारिज कर दिया। फिर उसका विरोध हो गया, लोगों ने मांग किया कि नहीं भाषा के आधार पर करिए, हम लोग अलग संस्कृति है, अलग हम लोगों का कल्चर है, तो हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे। सब जगह ऐसा बड़ा बड़ा राज्य बना हुआ था, इधर आंध्र प्रदेश था तेलुगु भाषी था, इधर मद्रासी भाषी था, इसी तरह से मुंबई में इधर गुजराती भाषी, इधर मराठी भाषी। तो ये समस्या थी कि जो जो अलग अलग कल्चर रखते हैं उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए। तो फिर एक कमेटी बना, उसको बोलते हैं JVP कमेटी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों ने मिलकर के एक कमेटी बनाई थी और इन्होंने भी अपना रिपोर्ट दिया। उसने भी वही बात कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ठीक नहीं है और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से होना चाहिए। लेकिन उसके बाद 1952 के आसपास एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गई। हुआ क्या कि यहाँ पे जो आप देखते हैं कि मद्रास राज्य में, ये साउथ में सारे के सारे लोग मद्रासी बोलते हैं और नॉर्थ के उधर सब तेलुगु बोलने वाले लोग थे, ये तेलुगु बोलने वाले लोग थे। अब ये जो पोट्टी श्री रामलू था उसने कहा कि तेलुगु राज्य अलग बनेगा, एक आंध्र प्रदेश बना के हमको दीजिए और साउथ में जो मद्रासी लोग हैं उसके लिए एक अलग राज्य होना चाहिए। बाद में हालांकि तमिलनाडु बनाया जाता है, बाद में आंध्र प्रदेश बनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे बड़ा आंदोलन होता है। हुआ क्या, पोट्टी श्री रामलू जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कहे कि नहीं हमको चाहिए ही चाहिए, और 56 दिन के लगातार भूख हड़ताल करके बिना कुछ खाए पिए हुए 56 दिन तक ये व्यक्ति जिंदा रहा और उसके बाद ये मर जाता है। उसके बाद हुआ क्या कि 1952 में
इसके मरते ही एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने कहा कि बाप रे, ये तो नेहरू जो है वो तो अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक है रे भाई। इतना दिन तक ले भूख हड़ताल किया, इतना दिन तक भूख रहा, लेकिन ये तो सुधी लेने भी नहीं आया। देखिए ये तो बहुत खतरनाक है रे भाई। अब नेहरू जी को लगा कि ये क्या हुआ, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। अब उस आंदोलन को दबाने के लिए उनको मजबूरी में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को अलग करना पड़ा भाषाई आधार पे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पूरे देश में सबसे पहले भाषा के आधार पे अलग होने वाला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। कब हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को। लेकिन जैसे ही 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना, उसके बाद तो भाई जैसे लगा कि संक्रमण हो गया पूरे देश में, एक तरह से समझिए कि वायरस, कोरोना वायरस की तरफ फैल गया। सब जगह मांग होने लगा कि हमको भी अलग करो, हमको भी अलग करो, हम भी अलग भाषा बोलते हैं, हम भी साथ में नहीं रहेंगे। यहाँ एक पेप्सू राज था पंजाब वाला क्षेत्र में, इधर पहाड़ी लोग उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र बोलते थे, जैसे हिमाचल प्रदेश अलग हो गया। यह नीचे वाला क्षेत्र जो था, जो हरियाणा बन गया, वहाँ हिंदी भाषी लोग था। इधर आप देखते हैं पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पंजाबी लोग माने पंजाबी भाषा बोलते थे, हालांकि उसको अब अलग करके सब पंजाब हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में डिवाइड कर दिया गया, ये अलग अलग हो गया, और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी बन गया। तो इस तरह से हो जाता है। तो संक्रमण जब हुआ तो उसके लिए एक और कमेटी बनाई गई, उसको बोलते हैं फजल अली कमेटी। तो फजल अली को 1953 में हुआ, वही संक्रमण के कारण जब सब लोग मांग करने लगे कि हमको भी अलग करिए भाषा के आधार पर, हमको भी अलग करिए, तो एक कमीशन बनाया गया, एक आयोग बनाया गया फजल अली के अध्यक्षता में, जिसमें 3 सदस्य थे। फजल अली साहब सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रह चुके थे, तो इन्हीं को बनाया गया, और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1956 में दिया, और इन्होंने बताया कि राज्यों का गठन कैसे करना है। तो उन्होंने बताया कि एक राज्य एक भाषा नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं हो कि एक भाषा बोल रहे हैं तो एक राज्य बना देंगे, ऐसे तो भारत का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। कहा कि जहां पे सबसे अधिक मात्रा में जो भाषा बोली जाएगी, संख्या जिसकी अधिक होगी, जो डोमिनेट करेगा, उसी के आधार पर बांटा जाएगा। तो इसके आधार पर भारत को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक राज्य बनाया गया 14, उसमें 14 को राज्य बने, और एक यूटी यानी कि जिसपे केंद्र शासित प्रदेश है उसकी, उसको बनाया गया, जिसमें 6 केंद्र शासित प्रदेश रखे गए, दोनों को मिलाएगा तो 20 बनाए गए। उससे पहले क्या था, जब संविधान लागू हुआ तो 4 कैटेगरी था। एक था ब्रिटिश प्रोविंस, जिसमें ब्रिटिशर्स का पूरा राज था, प्रिंसली जिसमें देशी राज्य यानी कि देशी राजाओं का उसमें था, और कमिश्नरी में क्या था, जहाँ पे बड़ा बड़ा एक क्षेत्र था, जैसे भोपाल एरिया हुआ, जैसे वहाँ पे कमिश्नरी था, तो वहाँ भी अलग ही कानून व्यवस्था बनाया गया था। और उसके बाद एक और था जिसको बोलते हैं यूटी, तो केंद्र शासित वाला क्षेत्र भी था। तो इस चारों को कहा गया कि बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे नियम कानून और इसको प्रशासित करना, तो इसलिए इसको भंग कर दिया गया और 2 ही बनाया गया, एक स्टेट और एक यूटी। तो ये जो हुआ, फजल अली के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पास किया गया संसद के द्वारा। तो ये आप याद रखे रहिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास हुआ है। और आप इसमें ये समझिए कि इसके आधार पे कुछ राज्यों को भी बनाया गया, जैसे शाह आयोग के आधार पे 1966 में पेप्सू राज्य को विभाजित करके, यहाँ पे देखते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और एक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उसी तरह से गोवा दमन दीव को पुर्तगालियों से खाली करवाया गया। पुर्तगाली जो थे वो ससुरे इतने कमीने थे कि भारत को छोड़ के भाग नहीं रहे थे। कहा गया अरे भैया अंग्रेज चला गया, तुम काहे बचे हुए, तुम भी जाओ। तो अंग्रेज तो चले गए 1947 में, आपको याद होगा। उसके 7 साल के बाद फ्रांसीसी चले गए पौंडीचेरी वगैरह क्षेत्र को छोड़ के, 7 साल के बाद यानी 1954 में। और उसके 7 साल के बाद जब फ्रांसीसी जाते हैं तो 1961 में पुर्तगाली चले जाते हैं। तो इसको याद करने का क्रम है, अंग्रेज गए 47 में, फ्रांसीसी गए 1954 में, और पुर्तगाली गए 1961 में। तो इसको इस तरह से आप याद रखे रहिएगा। पुर्तगालियों को भगाने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था, तब वह भागे थे। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।